आओ भाई यार, नोएडा इंडिया गेट, साउथ ईस्ट गाजियाबाद, आजादपुर, गोवा, कश्मीर टू अंडमान आओ। कैसे श्रीमान? आप जाओ, आप जाओ। भाई जी, भाभी ठीक है? हल्की है, भारी, अंदर बैठो सवारी। चलो भाई, चलो चलो जी। एक्सक्यूज मी, ये बैग आपका है? थैंक यू। क्या? बेटा, दूसरे के सामान में नजर नहीं गड़ाते, समझे? तो फिर अपनी दिला देना। जबान जबान लड़ाता है, चुप रह। तभी बेटा, बेटा मेरी बात नाराज नहीं होता बेटा है। अच्छा एक बात बता, गिटार विटार क्या है? पढ़ाई पे ध्यान लगा, बड़ों के इंजीनियर बनी हो, डॉक्टर बनी हो, अरे पुलिस में भर्ती हुई है, ये झोला छाप काम करेगा तू? आपने तो मुझे फोन के लिए भी मना कर दिया था, पर टिंकू के पापा ने उसे दिला दिया। आज उसके टिकटॉक पर 286 फॉलोअर्स है। ये टिंकू के पापा, चुप रह तू, बस समझ गया। श्रीमान, बच्चे को क्यों डांट रहे हो? आखिर क्या गलती है इसकी? नहीं नहीं, आपको है? आप मामा लगते हो उसके? भाई साहब, ये हमारे घर का मामला है, बीच में मत बोलो, समझ गए? ना ना ना, अब आपके ये घर का नहीं रहा श्रीमान, अब ये देश का मामला है। मैंने इसको ये तो बोला नहीं कि टिकटॉक पे जाके मुजरा करे। एक्सक्यूज मी, माफी चाहूंगा श्रीमती, लेकिन लेकिन अगर बच्चे का मन है कि वो गिटार बजाना चाहता है, संगीत सीखना चाहता है, तो उसको क्या समस्या है अपना पैशन फॉलो करने में? पैशन? ये अपनी पढ़ाई को फॉलो कर ले, वही बड़ी बात है। जानते हैं इसके स्कूल के एग्जाम में सवाल आया कि हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये क्या लिख क्या है जनाब? शेर। बेटा बाघ होता है। अरे भाई साहब, वो वाला शेर नहीं, वो मिर्जा गालिब वाला शेर। बेटा मेरे लाल, क्या लिख क्या है, सुना दे। अर्ज किया है, मत पूछो मैडम वजह, पसंद हो तुम बेवजह। वाह 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 वाह, सुना आपने, ये फॉलो करेंगे पैशन। फर्क है सर, आपकी उम्र 55 है, इस बच्चे का तो अभी बचपन है। बचपन? ऐसा है, आंखें चेक कराओ अपनी, समझ गए? तुम अपने काम से मतलब रखो। अरे गिटार बजाएगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? मेरी दादी जो लंदन रहती है ना, वो अक्सर कहा करती थी, बेटा कभी किसी के जमाई पे और किसी की कमाई पे टिप्पणी नहीं करते, क्या पता किसका कैसा निकल जाए। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि इसने कुर्ता पहन रखा है, झोला टांग रखा है, ये क्या ही कमाता होगा। लेकिन आज भी फॉर्चूनर रखता हूँ और आज भी खुद ही धोता हूँ। और आपको क्या लगता है ये गिटार मैंने दूसरों का सर फोड़ने के लिए लिया है? जब भी बजाता हूँ ना, पैसा बरसता है मेरे ऊपर, लोग हाथ जोड़ जोड़ के मेरी तारीफें करके जाते हैं। श्रीमान, 2004 में जब पिताजी मुझे सहारनपुर से दिल्ली लाए थे ना, तो मेरे पैर में गोल्ड स्टार के जूते थे, लेकिन आज अपनी कमाई से एडिडास पहनता हूँ। और ये आप पापा लोगों की प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। अरे अगर सचिन तेंदुलकर जी के पिताजी ने उन्हें ये कहा होता कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तो आज हमें गॉड ऑफ क्रिकेट मिल पाता? स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, सानिया नेहवाल, कल्पना चावला, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, अरिजीत सिंह, समीर सनाटा, क्या आपको लगता है इन लोगों के पिताजी ने इनको बोला होगा कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो? सर बाकी सब नाम तो समझ गए, है ना बेटा, समझ गए, लेकिन ये समीर सनाटा सर कौन है? स्वयं मैं हूँ, मेरा नाम समीर सनाटा है। और श्रीमान, जिस एजुकेशन सिस्टम की आप बात करते हैं, उस एजुकेशन सिस्टम ने हमें दिया क्या है? 9th का प्रेशर, 10th का प्रेशर, 11th में आर्ट लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, उसका प्रेशर, 12th के बोर्ड का प्रेशर, कॉलेज में प्रोजेक्ट का प्रेशर, प्लेसमेंट का प्रेशर, कॉलेज में अंजू मिली, अंजू का रिलेशनशिप का प्रेशर, रिलेशनशिप को ओके रखने का प्रेशर, अरे प्रेशर है कब से निकल के नहीं दे रहा। अंकल जी, आज भी ना वसंत कुंज में 500 गज की कोठी का ध्यान रखता हूँ, ये कमाया मैंने। भाई साहब, मेरे मतलब सर, सर अगर आप इतनी फेमस है तो आप हमें कभी इंटरनेट या टीवी पे क्यों नहीं देखे? यही तो मात खा गए आप श्रीमान, अगर मैं फेमस हो जाऊं तो क्या मैं अपने इन हाथों से खाना बना पाऊंगा? क्या मैं ऐसे बस में
इन साधारण लोगों के बीच सफर कर पाऊंगा? क्या मैं सड़क किनारे बैठे किसी गरीब की मदद कर पाऊंगा? नहीं ना। अरे स्टारडम में तो आगे पीछे कैमरा है, दाएं बाएं सेल्फी है, दम घुटता है मेरा, मुझे ताजी हवा लेनी है। लेकिन आज भी ना श्रीमान, जब मैं किसी बच्चे को घुटता देखता हूँ, मैं देखता हूँ कोई बच्चा पढ़ाई से परेशान है। सर, 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 आपके चरण, सर, बेटा, मधु, मधु, हम आज ही अपने रोहन के लिए एक गिटार लेंगे। अब से हमारा रोहन फैशन फॉलो करेगा मधु, फैशन। मैं भी बेवजह बस में आ जाता हूँ डेली। मेरी लंदन वाली दादी जी कहती थी, अगर झूठ बोलने से किसी का घर बसता है ना, तो बेटे बस जाने दो, वो झूठ फिर झूठ नहीं रहता, सच बन जाता है। एक डेस्पासिटो बे, मारूंगा तुझमें रैप्टो बे, ताकी 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 रूंबा, मेरा भाई मुसलम्बा। और आपको क्या लगता है ये गिटार मैंने दूसरों का सर फोड़ने के लिए लिया है? जब भी बजाता हूँ ना, लोग हाथ जोड़ जोड़ के मेरी तारीफें करके जाते हैं, पैसा बरसता है मेरे ऊपर। आज भी फॉर्चूनर रखता हूँ और आज भी खुद ही धोता हूँ। यार अंदर से भी साफ कर दियो, कल टॉबी ने उल्टी कर दी थी तो सीट के बीच में भी साफ कर दियो, ठीक है? आज भी ना वसंत कुंज में 500 गज की कोठी का ध्यान रखता हूँ, ये कमाया मैंने। यार सन्नाटा, मेरे जूते नहीं मिल रहे एडिडास के 2 दिन से, तूने देखे हैं क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखे, आप ऑफिस पहन के गए थे उस दिन। गोल्ड स्टार के जूते थे, लेकिन आज अपनी कमाई से एडिडास पहनता हूँ। सन्नाटा, आज खाने में मटर पनीर बनेगा, अच्छे से बनाना, और सुनो टॉमी को भी खाना दे देना। अगर मैं फेमस हो जाऊं तो क्या मैं अपने इन हाथों से खाना बना पाऊंगा? क्या मैं सड़क किनारे बैठे किसी गरीब की मदद कर पाऊंगा? भला उस नेक आदमी का जिसने हमारी आंखें खोली। मैं तो पहले ही कहती थी हीरा है हमारा बेटा। हाँ, पापा पे ही है, नहीं? मेरा भाई मुसलमान बा। आप सब अगर बदलते फैशन को फॉलो कर सकते हो ना, तो अपने पैशन को भी कर सकते हो। जाओ, लग जाओ आज से ही।